घूमता है ना यूट्यूब चैनल के लिए। मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। नाजरीन, आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपका इस्तकबाल है। आज की इस एपिसोड में मैं बहुत ही बेहतरीन दिल्ली में खूबसूरत गार्डन है जो लोधी गार्डन्स के नाम से मशहूर है, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। ये एक सिटी या पब्लिक गार्डन है या पार्क है, तकरीबन 90 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है और इसमें टूम ऑफ सिकंदर लोधी है और बड़ा गुंबद है, शीशा गुंबद है जो कि चमकती हुई टाइल से बना हुआ है, जिस तरीके से मैं अभी आपको ले कर दिखाऊँगा। सारी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल वर्क जो कि 15th सेंचुरी जो लोधी डायनेस्टी ने क्रिएट करा वो है। और ये 1451 से लेके 1526 यानी कि 1451 टू 1526 ये सारा रूल इनका रहा है लोधी डायनेस्टी का, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया, पंजाब और जो सारा एरिया जो वो पाकिस्तान का है वो उसका सब आता है। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको इस गार्डन के अंदर जो विच इज़ हैविंग अ स्प्रॉलिंग ग्रीन वर्क एंड इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर एंड इम्पेकेबल नेचुरल ब्यूटी। सो लेट अस विजिट दिस लोधी गार्डन। ये एक वो जगह है जो सबसे बड़ा मंज़र यहाँ पर दिखने में आता है, वो ये है बड़ा गुंबद। देखिए, दिस इज़ द प्लेस वेयर नेचर मीट्स हिस्ट्री। दिस इज़ द बड़ा गुंबद कॉल्ड, बड़ा गुंबद बोला जाता है इस जगह को। और ये सिकंदर लोधी और लोधी डायनेस्टी के जितने लोग और बाद में सुल्तान या सलातीन यहाँ पर आए, उनका कंट्रीब्यूशन तमाम डेवलपमेंट पे रहा है। और बल्कि तो ये सारा का सारा, जहाँ तक लगता है कि ये सारा कब्रिस्तान का एरिया दूर तक था यहाँ पर जो बड़े लोग होते थे रॉयल डायनेस्टी से मुतालिक, तो उनको दफनाया जाता था। और ये बड़ी ग्रीनरी यहाँ की देखते ही बोलती है। दिस इज द स्प्रॉलिंग गार्डन एंड वेल केप्ट ग्रास। दीज आर द ब्यूटिफुल ट्रीज दैट वी फाइंड ओवर हियर। द पीपल, दे आर एंजॉयिंग ऑल फ्रेस्को इन द सनलाइट, दे आर हैविंग देयर पिकनिक। We used to come over here in our childhood, I remember, for the picnic. So, ये जो है सबसे बड़ा गुंबद है। अब चलते हैं इसके आगे। ये देखिएगा कितना खूबसूरत मंजर है, वाह, 15th सेंचुरी का ये कितना खूबसूरत टूम बना हुआ है लोधी गार्डन में लोधी डायनेस्टी से। देखिए उस जमाने के पत्थर कितनी मेहनत से मजदूरों ने चढ़ाए होंगे, बनाए होंगे, बहुत ही सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं। दिस अ बिग पीपल ट्री एंड दिस मैनी लवली ट्रीज फेलोशिप ग्राउंड नाउ एडजॉइनिंग टूम्स दैट वी आर कमिंग टू। Now this is called, rather this is Bada Gumbad. It's a mosque and this mosque measuring about 25 meters. The whole place is I think in 90 acres and in 25 meters, and it's a very fine example of the decorative technique of incised and painted limestones प्लास्टर यूज ड्यूरिंग द लोधी पीरियड। इसके अंदर आपको झरोके मिलेंगे जिस तरीके से कुतुब मीनार में है, मेहराब मिलेंगे। और ये तकरीबन 1494 की बात है। यहाँ से आप इस बड़े गुंबद को या मॉस्क को आप बिल्कुल खूबसूरती से देखेंगे। आसपास गार्डन, ये एक अलग छोटा गुंबद है जो आपको नज़र आ रहा है। This is the whole sprawling place. Lovely trees, plants, and the topsy-turvy roads or the paths that they have created, and the birds are chirping. Itna khoobsurat ek kudrat ka
नज़ारा देखने को यहाँ पर मिल रहा है इस 90 एकड़ पूरे लोधी गार्डन्स के अंदर, जो एक पब्लिक पार्क है। और इस पे सुबह खासकर लोगों की भीड़ वॉक करने के लिए जो आती है सालों से, उनमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जजेस हैं, जर्नलिस्ट हैं, आम पब्लिक सब यहाँ पर जो है ये इस खूबसूरत पार्क में, लोधी गार्डन में आते हैं। दिस इज द शीश गुंबद। दिस इज अनदर पाथवे वेर द पीपल particularly in the morning from all walks of life they come and enjoy and gathering I think from 5 a.m. onward they do it of course there are throughout the day bahut se log aate hain sham ko bhi aate hain lekin subah ka manzar bahut alag hota hai kyunki bade bade bureaucrats jurists judges parliamentarians etc they all gather here they have their beautiful day opening with a good walk and talk and they enjoy salubrious nature. ये लोधी गार्डन का देखिए कितना खूबसूरत स्टोन वर्क यहाँ पर, इस तरीके की कई आपको चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर खूबसूरत यहाँ पे बना रखा है। और एक बार यहाँ से भी मैं व्यू देखता हूँ कि ये देखिए ये जिस टूम के लिए जाना जाता है, सो देर इज सिकंदर लोधी और लोधी डायनेस्टी के तमाम जितने लोग हैं उन्होंने ये बनाया। ये खूबसूरत आप देखिए इन्हें टैरेट बोलते हैं, तो ये चार दीवारी की तरीके के किनारे का मीनार जिसे कह सकते हैं, और इसके अंदर झरोका और अंदर बैठने का इंतज़ाम और अंदर और एक दो रूम भी बने रहते, तो इस तरीके चारों तरफ ये लोधी गार्डन में बना हुआ है। इस तरह के जो फाउंटेन्स हैं या फव्वारे हैं यहाँ चारों तरफ लगे हुए हैं, और ये इस वक्त तो फंक्शनल नहीं है लेकिन ये खूबसूरती देखिए। और ये लोधी गार्डन में चारों तरफ आपको इस गार्डन में मिलेंगे। ये एक गेट नंबर 3 है जिससे मैं अब बाहर की तरफ जा रहा हूँ। From here we can find the whole of Lodhi Gardens scenic view, the trees, और वो देखिए खूबसूरत जो मालियों ने या गार्डनर्स ने वहाँ पर जो अपना काम हॉर्टिकल्चर का करा है, इसको थोड़ा करीब ला के देखते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत बना रखा है। ऐसे यहाँ पर बहुत जगहें मिलेंगी आपको इस तरीके से।